नमस्कार, आज मैं घर की बढ़िया मसालेदार मूंग की बढ़िया बनाने जा रही हूँ। देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है। इसके लिए पीली मूंग की दाल ली है मैंने। आपको जितना अमाउंट चाहिए आप ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक कप भर के सूखी ली थी जिसको मैंने 5-6 घंटे सोख कर लिया है। आप ओवरनाइट सोख भी कर सकते हैं। इसके लिए इसमें डालने के लिए चूंकि मैं मसाले बढ़िया डाल रही हूँ तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर जो कि थोड़ा मोटा कुटा हुआ है, कुटा हुआ मिर्ची है, मोटी है, और नमक सेंधा नमक लिया है मैंने, और आप कोई कैसे भी ले सकते हैं। और ये है सौंफ जो कि दरदरी कुटी हुई है, और ये है हींग, ये चार लौंग हैं और ज़रा सा धनिया है समूचा। लौंग को और धनिया को ज़रा सा दरदरा कर लेती हूँ और इसको मैं पीस कूट लेती हूँ। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसको मैं मिक्सी में डाल रही हूँ पीसने के लिए और मसाले बाद में मिलाऊंगी। केवल मैं इसमें हींग अभी मिला रही हूँ। हींग मिलाने का एक फ़ायदा है, ये अच्छी तरह से सारे में इवनली मिल जाएगा। बाकी मसाले बाद में डालेंगे। ये अच्छी तरह पीस गई है, इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ और केवल एक बार चलाऊंगी ताकि सब बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। सब मैंने डाल दिए, अब मैं केवल एक बार स्पिन कर देती हूँ। ये मिक्स हो गया और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा चला लेती हूँ। वैसे तो मिक्सी में ये बहुत फ्लफी हो ही जाता है, फिर भी आप एक बार घर पर भी चला सकते हैं, इससे बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये मैंने ट्रे ले ली, ट्रे में मैंने OHP शीट लगाई है प्लास्टिक की। आप कोई भी शीट प्लास्टिक की लगा ले, अगर नहीं है आपके पास तो इसी में ऑयल की एक ग्रीसिंग कर लीजिए और उस पर इसको बना लीजिए। अब मैं इसके ऊपर बढ़िया बना रही हूँ। इसके लिए डिज़ायर्ड शेप आप ले सकते हैं, वैसे हाथ से ज़्यादा सुंदर बनती हैं तो आप हाथ से बना सकते हैं। ये मसाला बढ़िया देखिए मूंग की तैयार है। इनको आप बनाइए, खिलाइए और अपने व्यू शेयर कीजिए। इसके लिए मैं एक बात आपको बतला दूं कि इसको आप छोटे साइज़ की बनाएंगे तो जल्दी सूखेंगी, और सूखने के बाद अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। सूखने के बाद आप इनको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और जब आपको बनाना है बना के खा लीजिए। और इसके लिए इसको हमेशा बहुत बारीक मत पीसिए। जब आप इसको गीली दाल को पीस रहे हैं तो थोड़ी सी दरदरी रखिए तो ज़्यादा अच्छी बनती है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।